अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे एज वेल बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो चल ही रहा है, साथ ही साथ और बहुत सारी खबरें आ रही हैं वसीम अकरम की बुक लॉन्च के हवाले से भी। जो बातें, जो एक्सट्रैक्ट्स अभी निकल कर आ रहे हैं पाकिस्तान में, अभी तक ऑफिशियली हार्ड कॉपी ज़रूर नहीं आई है, बट यस सॉफ्ट कॉपी आप जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है वो बाय कर सकते हैं। सो इसके हवाले से भी डिस्कशन होगी, क्या क्या एक्सट्रैक्ट्स आ रहे हैं। काफ़ी एक्सट्रैक्ट्स यूजुअली जो है वो द स्पाइसी पार्ट ऑफ द बुक आता है, तो यस उसके ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशरा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जो है वो जारी हैं और अब से थोड़ी देर पहले भी एक बहुत ही ज़बरदस्त से मैच का जो है वो इख्तिताम हुआ है। और जैसे कि हमारे एक दोस्त ने अभी मुझे मैसेज करके कहा कि ऐसा लगता है कि कतर की विकटें जो हैं वो एशियन टीमों को सूट कर रही हैं, तो एक और एशियन टीम ने जो है वो अभी कामयाबी हासिल की है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सवेरा That was such a well said comment, जिन्होंने भी कहा बहुत अच्छे तरीके से कहा, बिकॉज डेफिनेटली कतर बीइंग अ न्यू वेन्यू फॉर फीफा वर्ल्ड कप एंड देन सो मेनी अपसेट्स, और जिस तरह के रिजल्ट्स, अपसेट तो नहीं आई वुड से जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह सूट कर रहे हैं रिजल्ट्स। सो स्टार्टिंग अप विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी है और आज होने वाले पहले मैच में ईरान ने वेल्स को बहुत ही कोई कड़ाकेदार मुकाबले में 2 गोल से जो है वो हरा दिया। शाम 6 बजे मेज़बान कतर और सेनेगाल आमने सामने होंगे। रात 9 बजे तीसरे मैच में नेदरलैंड्स का मुकाबला होगा इक्वाडोर से, और फिर रात 12 बजे होने वाला है आखिरी मैच जिसमें इंग्लैंड और अमेरिका एक दूसरे के होंगे मदे मुकाबले। एब्सोल्युटली देयर 5 टीम्स टेकिंग पार्ट फ्रॉम एशिया, 4 टीमें जो हैं वो अपना कम से कम एक मैच जीत चुकी हैं, बल्कि नहीं मेरा ख्याल 4 टीमें दे हैव गॉट द पॉइंट्स ऑन द टेबल दिस टाइम, वरना जनरली एशियन टीम्स जो हैं दे जस्ट मेक अप द नंबर्स एंड I really hope Qatar gets some point today as well. 6 baje unka match hona hai. Pehla round baharal khatam ho gaya. FIFA World Cup ke pehle round ka matlab ye hai ki abhi to ye pehli 2 teams ban gayi hain, Iran aur Wales, jinhone apne 2-2 matches khel liye hain. Baaki sab teams apna minimum 1 match khel chuki hain. Aur 5ve roz humne dekha jo late night match hua, Brazil ne shikast di Serbia ko. Of course us match ke hawale se kafi baat ki ja sakti hai. Perhaps the goal of the tournament usme jo hai wo score kiya aur Richarlison ne, और 2-0 से सर्बिया को हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल गाना के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोलों से कामयाबी समेट चुकी है। यूरोगुआई और जनूबी कोरिया का मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। बिल्कुल जी, ये अपडेट साथ ही साथ और अगर अपडेट किया जाए तो ब्राजीलियन फैंस के लिए बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि बुरी खबर है बेसिकली ये, बिकॉज ब्राजीलियन कप्तान निमार जो है वो पाँव पे चोट लगने की वजह से जो जख्मी हो गए थे आइंदा मैचेस में शिरकत के लिए मशकूक हो गए हैं कि वेदर ही वुड टेक पार्ट और नॉट। मैच के दौरान मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से टकराने के बाद निमार के दाएं टखने में मोच आई जिसके बाइज उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा और स्टार प्लेयर का इलाज शुरू कर लिया गया है। आइंदा आने वाले 24 घंटे में उनकी फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि वो मजीद मैचेस खेल पाएंगे या नहीं। सो अ बिग सेट बैक फॉर ब्राज़ील। या एब्सोल्युटली जी, और परेशानी की ये बात है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वेल निमार के बगैर भी कल ब्राज़ील मैच का बेशतर हिस्सा बहुत अच्छा खेला। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के एक और सितारे के हवाले से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कल ही हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि क्या रोनाल्डो की ऑफ द फील्ड जो लाइमलाइट में मौजूद हैं वो उनके मैच को इफेक्ट करेगा। वेल रोनाल्डो हैड अ प्रीटी ओके गेम यस्टरडे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक पेनल्टी उन्होंने हासिल की, सही थी या गलत अब ये रहने दें, लेकिन उस पर वो गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। बात हम ये कर रहे हैं कि रोनाल्डो हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द हिस्ट्री के तारीख में पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 5 FIFA World Cups में गोल स्कोर किए। 2006 FIFA World Cup जर्मनी में हुआ था, वहाँ पे उनकी जो गोल स्कोरिंग का सिलसिला है वो 2022 तक जारी है। कतर में कल जो उन्होंने पेनल्टी पे गोल किया ये उनका जो है 5वें World Cup में लगातार गोल था। और याद रहे जी, इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि आइंदा चंद सालों में टूटता हुआ नज़र नहीं आता, इंटरनेशनल गोल, सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के लिए गोल स्कोर करना। इस वक्त इसका एजाज़ भी रोनाल्डो के पास है। अली दाई ईरान के हुआ करते थे जिनको इन्होंने पीछे छोड़ा, और अब तो इन दोनों के दरमियान भी गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, अदील आपको पसंद नहीं है बट वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना, बड़ा प्लेयर है, लेकिन पसंद ना पसंद लेकिन प्लेयर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। तो मूविंग ऑन फर्दर, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, कौमी क्रिकेट टीम
का तरबियती कैंप पिंडी में शुरू हो गया है। तमाम खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दी है। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बोलिंग और फील्डिंग की मशकें की। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी पर PCB ने खिलाड़ियों को डिनर दिया, और जिसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी वहां शरीक हुए थे। सो ये थी अभी तक की व्हाट्सएप की अपडेट्स, और काफ़ी कोई रंगा था कल जब जो है टीम को डिनर दिया गया PCB की। मैं कल इत्तेफाक से देख रहा था, और काफ़ी ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं उन पॉलिटिकल कॉनोटेशंस में भी ये मेला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिकॉज जहाँ पे आउट गोइंग आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद है, सदर मुमलिकत भी मौजूद थे, सदर मुमलिकत, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो देयर। हमें पता है कि कल बहुत बड़े बड़े काम जो उन्होंने किए हैं, लेकिन शाम में इन्होंने इस इशाइये में भी शिरकत की। एंड वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों की हालिया कारकर्दगी, बल्कि पिछले एक साल में आप कह सकते हैं कि शायद बायलेटरल्स में थोड़ा बहुत हम स्ट्रगल किए, लेकिन जब भी किसी टूर्नामेंट में शिरकत की आई थिंक हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी क्रिकेट खेली। एंड हमारा एक इम्पॉर्टेंट होम सीज़न का भी आगाज़ होने वाला है, सो इसके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक दिस वाज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई सॉ सम डिप्लोमैट्स देयर एज़ वेल, British High Commissioner, बड़े शौकीन है क्रिकेट के। He's very close to Pakistan Cricket Board generally. You would be seeing him, you would be looking at his presence के वो वहाँ पे PSL में भी अक्सर मौजूद होते हैं। तो yes, he's very much into cricket. काफी क्रिकेट का उनको शौक है, और उन्होंने काफी इंग्लैंड के इस टूर के दौरान भी जो है उनकी काफी हेल्प थी, मतलब कोई शक नहीं, वेरीफाई करने में, जस्टिफाई करने में, मी बीइंग ही, बल्कि जब सवेरा आपको याद हो, और जब याद हो, प्रीटी बिग रोल ही प्लेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे याद है कि जब इंग्लैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान का मंसूख कर दिया था या उसको मुअत्तल कर दिया था, उस वक्त उनका जो बयान आया था वो आपको लग रहा था कि वाकई ये तकलीफ में, ये बंदा भी तकलीफ में है, कि वो कुछ ज्यादा चाह रहा था कि ये दौरा हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। बट फिर अब हम बात करते हैं वसीम अकरम की बुक सुल्तान। सो यस, सुल्तान जो है वो ऑफिशियली, जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो इट्स इन स्टोर्स नाउ, लोग जा भी रहे हैं, वसीम अकरम से मिल भी रहे हैं, सिग्नेचर्स भी ले रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ्स भी ले रहे हैं, बट पाकिस्तान में ऑफिशियली जो है वो अभी हार्ड कॉपी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, बट एक्सट्रैक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। सो इस बुक के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और जिन्होंने बहुत करीबी तरीके से इस एरा को देखा है, वसीम अकरम के इस टाइम फ्रेम को देखा है, इस एरा को देखा है, उनसे आज हम जरा डिस्कशन करेंगे इस बुक के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम सवेरा, और अदील आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, जब भी किसी बड़े क्रिकेटर की ज़ाहिर है बुक रिलीज हो रही होती है, वो कुछ इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि अक्सर इंकशाफात से आपको पता चलता है कि इनकी, आप गैस कर लेते हैं यकीनन इसकी किताब आने वाली है भाई, बिकॉज वसीम अकरम के हवाले से वो जो कोकेन नशा और अशिया के इस्तेमाल के हवाले से ही मेड अ बिग रेवलेशन, इवन दो आई थिंक सर्कल्स में जनरली पता होता है लोगों को कौन क्या कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इस तरह के कुछ इंकशाफात ज़रूर सामने आए। सो वसीम अकरम की ये जो किताब आ रही है, आई थिंक इट प्रोमिसज टू बी, जैसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही सेंसेशनल किस्म की, एक बड़ा ज़बरदस्त करियर था, बड़ा जहाँ कामयाबियाँ बहुत सारे थे वहाँ तनाज़ात भी बहुत सारे थे, और ज़ाहिर जहाँ तनाज़े होंगे वहाँ पर सेंसेशनलिज़म तो होगा। सो आई एम श्योर बड़ी मज़ेदार बुक पढ़ने को मिलेगी भट्टी साहब। जी हाँ आदिल, अभी जब चंद हफ्ते पहले एशिया कप हो रहा था दुबई में जी, तो वसीम अकरम से वो कमेंट्री के लिए वहाँ मौजूद थे, तो जब वो फारिग होते थे तो चंद नशिस्तें उनके साथ हुई, वो आते जाते अपनी किताब के बारे में हमें जरूर बयान करते थे। और एक बात जो जाहिर है वसीम अकरम के सामने तो हम लोग भी वो चीज़ बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वसीम अकरम जब नहीं होते थे या आम आदमी वसीम अकरम के बारे में वो जो मैच फिक्सिंग रिलेटेड कहानियां थी वो अक्सर जुबान ज़दे आम थी, तो वसीम अकरम ने ये इंकशाफ किया जो मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था। उसने कहा यार देखना इस बार मेरी जो किताब आ रही है, मुझे जिन जिन लोगों ने मैच फिक्सिंग में टारगेट किया है मैंने भी इस बार सबको खुल के जवाब दिया। उन्होंने माजिद खान का नाम लिया, हालांकि एक वो निजी किस्म की सेशन थी, उन्होंने हारून रशीद जो चीफ सेलेक्टर भी थे उस वक्त हेड कोच भी थे पाकिस्तान टीम के, उनके हवाले से बात की। एक और लोगों के बारे में वसीम अकरम कहते रहे, और उन्होंने कहा कि इस बार मैंने सबको खुलकर जवाब दिया और सबके साथ स्कोर सेटल किया है। आज जो एक मैं समापरी
एक हुजैफा की स्टोरी दोपहर में देख रहा था जी। जब उन्होंने सलीम मलिक के हवाले से बताया तो सलीम मलिक बिल्कुल वसीम अकरम, ये भी अक्सर हम लोगों के साथ चीजें शेयर करते रहे कि जब वो 84 में पहली बार न्यूजीलैंड गए तो सलीम मलिक उनको काफी टफ टाइम देते रहे, उन्होंने कहा कि काफी ट्रबल मेकर है। तो वसीम अकरम आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट बन गए थे बाद में, लेकिन ये जो मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे उसमें वसीम अकरम की क्रिकेट को रिवाइव करने में उनकी जो पहली बीवी थी हुमा मुफ्ती, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मुझे याद है वसीम अकरम चूंकि बहुत अपसेट थे, काफी उन पर सीरियस किस्म के एलिगेशन लग रहे थे, तो हुमा अक्सर फोन पर आकर, उस जमाने में सेल फोन भी नहीं थे, लैंडलाइन पर बड़ी मुश्किल से जाके रब्ता होता था, तो हुमा वसीम अकरम की जानिब से मौकिफ बयान किया करती थी। लेकिन उसी स्ट्रेस में वसीम अकरम को ये डायबिटिक के मसाइल भी रहे। फिर मुझे याद है गालिबन 94 ही की बात है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 98 में जब आखिरी टेस्ट मैच उसने खेला था पिंडी स्टेडियम में, अभी जो रिसेंटली कुछ महीने पहले टेस्ट मैच हुआ था उससे पहले, तो मुझे याद है प्रैक्टिस करते करते वसीम अकरम कोलैप्स कर गए और उनका जो शुगर लेवल था वो ड्रॉप कर गया, तो उन्होंने कहा यार इसको मीठा खिलाओ, वहां पर कोई मीठी चीज मिल नहीं रही थी। तो मुझे याद है कि तमाशाइयों के दरमियान एक साहब थे जो एक बड़े से थाल के अंदर एक बर्फी बेच रहे थे मिठाई का, वो उससे एक लोग पीस लेकर आए, टीम मैनेजमेंट के लोग, वो वसीम अकरम को खिलाया तो वो नॉर्मल हुए। लेकिन वसीम अकरम कहते हैं कि इस बार मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों का इंकशाफ किया है। ये देखिए वसीम अकरम की एक पहले भी किताब आई थी, लेकिन इस बार उनके जो राइटर हैं अंग्रेज हैं, उन्होंने खुलकर वसीम अकरम की जो कहानियां हैं वो बयान की है। मेरे ख्याल में ये जब पूरी किताब लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं उनसे पर्दा उठेगा, और जो वन साइडेड वर्जन वसीम अकरम के बारे में, जाहिर है इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं लेकिन फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, तो वसीम अकरम की तरफ से जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। भट्टी साहब कुछ चीज़ें और जो उन्होंने सलीम मलिक के हवाले से कही हैं, वो तो वो मुझे लगता है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर नहीं था कि सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स से अपने मौजे भी धुलवाते थे, तो काम भी करवाते थे, तो कहते थे कि जी दवा भी दो, तो ये तो एक टाइम तक इटसेल्फ पाकिस्तान क्रिकेटिंग टीम का कल्चर था। देखिए सवेरा ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब मीडिया भी बहुत ज्यादा नहीं होता था, न्यूजीलैंड जाने का पाकिस्तान के किसी सहाफी का तस्वीर भी नहीं था, कमेंटेटर्स जो थे दो चार लोग वही लोग न्यूजीलैंड पहुंच पाते थे या एक आध कोई सहाफी जा सकते थे। लेकिन जाहिर है आज का दौर इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आदिल अजहर और आप जैसे लोग हर वक्त पिछले दिनों में टेलीविजन पर भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनको देख रहा था और उनके कॉमेंट्स मुझे पसंद आए। लेकिन अब वसीम अकरम ने जिस तरह हार्ड हिटिंग उनके बारे में बयान दिए हैं, बातें की हैं, तो अब देख रहे हैं कि सलीम मलिक की तरफ से क्या आएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, ये जितना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में रहा है, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो, चाहे स्पॉट फिक्सिंग हो, चाहे बॉल टेम्परिंग हो, फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी इसमें बहुत होगी। फिर उन्होंने पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा के बारे में भी कहा कि चूंकि उनके वालिद कमिश्नर थे, वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो जाहिर मुझे याद है कि रमीज राजा उस जमाने में बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, रमीज राजा के जो दोस्त थे वो मोहसिन कमाल उनके दोस्त भी होते थे और अक्सर रूममेट भी दोनों होते थे। तो मेरे ख्याल में अब दूसरी तरफ से जो जवाब आएगा, देखिए मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं, वसीम अकरम की किताब अच्छी बिक जाएगी, अच्छे पैसे उनको मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जो कॉन्ट्रोवर्सीज अब जुड़ेंगी वो मेरे ख्याल हमारे क्रिकेट को उसका नुकसान होगा। भट्टी साहब को एक्चुअली इस डिस्कशन में बुलाने का मकसद यही था कि भट्टी साहब की अपनी नौतने उनके पास एनेक्डोट्स और वाकयात इतने ज्यादा होंगे कि वसीम अकरम एक बहुत बड़ा चैप्टर है पाकिस्तान क्रिकेट में। सी आई थिंक ही डिवाइड्स ओपिनियन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि परहैप्स द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर कहा ही जाता है कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट को ग्रेस किया है। सोचें अगर उस लेवल का बॉलर आज खेल रहा होता, या परहैप्स बल्कि वसीम एक बेंचमार्क बन गए थे, निशाहीन की आज तारीफ करनी हो तो आप कहते हैं कि ही
perhaps is the next Wasim Akram. Yes. यही उनकी greatness की बात है. लेकिन ज़ाहिर है जी, जहाँ इतनी greatness होती है वहाँ controversies होती हैं. कुछ और दिलचस्प बातों के हवाले से भट्टी साहब से हम बात करेंगे. फिलहाल एक लेते हैं ब्रेक एंड विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट. एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद अब्दुल माजिद भट्टी. और बात हमारी हो रही है बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे. वसीम अकरम की बुक जो लॉन्च हुई है सुल्तान, उसके हवाले से, और उसमें जो क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें जो इस वक्त अभी सामने आई थी, एक्सट्रैक्ट जो हमारे सामने आए उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है. एग्जैक्टली. एक रमीज राजा का भी जिक्र आया जी, उनके अब्बू कमिश्नर थे, उनको जो है वो फील्डिंग इसलिए वहाँ पे करा. मेरे सामने एक्चुअली अभी उस किताब के कुछ जो है ना, जो हुज़ैफ़ा की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जावेद मियादाद को उन्होंने बड़ा एक्नॉलेज किया है कि मुझको दरियाफ्त करने वाले जो थे बंदे वो वही थे. और रमीज राजा स्लिप में कैच कम पकड़ते थे, गिराते ज्यादा थे, ये कहना है वसीम अकरम का. इस तरह की किताब जावेद मियादाद ने बहुत हेल्प की कि दौरे पे जो है वो उनके पास बैटिंग पैड्स नहीं थे तो वो पैड्स भी दिए. तो यस, भट्टी साहब से अगर हम और कुछ कहानियां जान सकें. मैं भट्टी साहब से एक सवाल जो है ना वो जरा जरूर पूछना चाहूंगा. भट्टी साहब, वो क्या वजह है कि वसीम अकरम अपने ऊपर से, जो उनके ऊपर एक दाग लगा हुआ था कि मैच फिक्सिंग, हम देखते हैं कि अभी जो एक टेलीविजन चैनल पे भी वो ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे और एक बात बड़ी ऑब्वियस हो रही थी कि वसीम अकरम इस तरह के सवालात से अब बहुत झिझकने लगे हैं, उनको अजीब, वो अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं. ज़ाहिर उम्र का भी तकाजा है, ढलती उम्र की भी सिलसिला होता है, लेकिन ये अपने ऊपर से वो कभी भी वो दाग धो नहीं पाए. मुझे ये भी पता नहीं, किसी ने मुझे ये बताया है कि अक्सर इंटरव्यूज से पहले वो बड़ा क्लियरली बोल देते हैं कि मलिक कयूम रिपोर्ट पे आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, पूछा तो इंटरव्यूज ओवर, आई डोंट नो बट समबडी टोल्ड मी दिस थिंग. बट इज अब क्या हुआ, क्यों नहीं वसीम अकरम, वो कहते हैं ना कमिंग क्लीन, कहते हैं ना ही कम्स क्लीन, या तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये किया था, उसके बाद ये होता है चलो यार मूव ऑन, ही हैज मूव्ड ऑन इन लाइफ. व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम, वो इमेज पे एक दाग तो लग गया. बिल्कुल अदील, ये देखिए वसीम अकरम पर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख पर वो जो कलंक का टीका लगा ना इस मैच फिक्सिंग की वजह से, मेरे ख्याल में वो धुल नहीं सकता. कोई कुछ भी कह ले, इन प्लेयर्स के पास, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे सलीम मलिक हो, और भी कुछ क्रिकेटर्स के नाम आते हैं. मुश्ताक अहमद के बारे में जस्टिस कयूम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जब वो ब्रीफकेस लेकर पहुंचे नोटों का, तो मेरे ख्याल में इन लोगों के पास अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली ये लोग सजाओं से बच गए, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट का वो तारीख बाब है. जो रकम तो हो गया, लेकिन ये प्लेयर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज तक उन दागों को धो नहीं सके. मेरा ख्याल में प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानियां. सलीम मलिक की बात होती है, पिछले दिनों सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए, उन्होंने कहा कि जी मुझे दोबारा क्रिकेट में आने की इजाजत दी जाए. मेरे पास अदील और सवेरा एक ऐसा लेटर मौजूद है सलीम मलिक का, जब नजम सेब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, सलीम मलिक ने वो लेटर लिखा पीसीबी को, और उसमें वो अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहते हैं कि मुझसे ये गलती सरजद हो गई, और किसी प्लेयर के बेनिफिट मैच में वो गए थे जहां उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूं, अब मैं रीहैब में जाना चाहता हूं, लिहाजा मुझे नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाए. लेकिन उस लेटर को पीसीबी को लिखने के कुछ अरसे बाद फिर सलीम मलिक ने कहा कि नहीं जी, वो मैं लेटर विदड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि पीसीबी के रिकॉर्ड में आज भी पड़ा हुआ है, मेरे पास भी वो लेटर मौजूद है. तो ये वो चीज़ें हैं, जो कोई कुछ भी कह ले, मेरे ख्याल में इन प्लेयर्स के पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है. अगर कोई भी चीज़ आपके डिफेंस में आपको नाकाम कर रही हो, तो इसका मतलब वो बात दुरुस्त साबित हो रही है. ये सिर्फ इनका नहीं है, इनके बाद जो लोग इन मामलात में इन्वॉल्व रहे, आप देखें कि ये जो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की जो एक स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें मोहम्मद आमिर का नाम आया, सलमान भट्ट का नाम आया, मोहम्मद आसिफ का नाम आया. उसके बाद फिर पीएसएल में हमने देखा कि शर्जील खान, खालिद उसमें, खालिद लतीफ उसमें थे, उसमें हमारे एक ओपनर थे जिनको इंग्लैंड में सजा भी हुई, नासिर जमशेद, और कुछ करेक्टर्स थे. मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास शायद इन मामलात में अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ भी नहीं है.
तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी काली है। बट भट्टी साहब फिर वही ना, ये जो ये डिबेट ये तो हमारी ये रहती कि शायद उस वक्त कुछ कर लिया जाता तो आगे नहीं होता, मगर फिर जब आमिर और सलमान और आसिफ इनके टाइम पे भी कर लिया गया कुछ, उसके बावजूद जो हुआ तो आई बिलीव के जो जिसने करना है वो तो करना ही है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। बट यस ऑब्वियसली वसीम अकरम इज़ अ लेजेंड फॉर अस, और कभी कभार ऐसा लगता है कि ये एक वो चीज़ है शायद एज अ नेशन शायद हम भी अब कहीं भूल के उसको बैक एंड पे रख कर, बिकॉज जिस तरह दुनिया में, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और जिस तरह everyone talks about Wasim Akram, मतलब he is rated so highly, और उन्होंने ये वहाँ पे इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे अपने मुल्क में उस तरह की इज्जत नहीं मिलती जो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्यों कहते हैं मुझे समझ में नहीं आती वैसे सवेरा, आई मीन ऑफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भट्टी साहब, कौन इज्जत नहीं देता वसीम अकरम को? आई थिंक आज भी वो ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मॉडल्स एंडोर्सर्स इन पाकिस्तान। भट्टी साहब इज्जत तो मिलती है, मेरे ख्याल से ये वसीम शिकवा क्यों करते हैं? अदील इज्जत नहीं, दौलत भी इनको इतनी मिली है, मेरे ख्याल में अगर खुदा ना खास्ता कोई सानिया ना हो तो इनकी कई नस्लें इस दौलत को अब खत्म नहीं कर सकती। मैं वसीम अकरम के कैरियर से जुड़े हुए एक और इंटरेस्टिंग पहलू के बारे में एक कहानी आपको बताता हूँ, पता नहीं उसका मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर किताब में जिक्र होगा कि 2003 का जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप था उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया जो पीसीबी चेयरमैन थे उन्होंने फैसला कर लिया था कि वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन जब वो केस आईसीसी के पास गया तो आईसीसी ने कहा नहीं, ये चूंकि टेंटेड प्लेयर है, इनका मैच फिक्सिंग में नाम है, लिहाजा आप उनको कप्तान नहीं बना सकते। फिर वसीम अकरम एज ए प्लेयर उस टूर्नामेंट में गए, वकार यूनुस ने कप्तानी की उस टूर्नामेंट से। मैं तो पूरी पाकिस्तान टीम की जर्नी में जो जोहान्सबर्ग से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शुरू हुई, फिर जो बोलोवायो में वॉश आउट हुआ मैच, मैंने ज्यादातर टीम होटल्स में रहा, पाकिस्तान टीम के लड़कों को बहुत करीब से देखा। मेरे ख्याल में इतनी खराब कहानियां थी और उसका अंजाम ये हुआ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ सका। कुछ लड़कों ने आज भी, आप साथी प्लेयर से बात करें तो कहते हैं कि जानबूझकर अंडर परफॉर्म किया, पाकिस्तान को लेट डाउन किया। तो देखिए ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल में इन प्लेयर्स का, जाहिर मर्तबा तो बहुत बड़ा है, जिस तरह सवेरा कह रही है ऑस्ट्रेलिया क्या, इंग्लैंड, इवन इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है लेकिन हमारा दुश्मन भी है, लेकिन इंडिया में भी वसीम अकरम को हाईली रेट किया जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, लोग वसीम अकरम के साथ तस्वीर बनवाने के लिए, एक सेल्फी लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जो उनके कैरियर से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, जाहिर इनको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर इग्नोर करें तो फिर उनको अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है ना, वो बिल्कुल फ्लैट है। तो लिहाजा इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ। बट साहब आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे इजाजत लेने से पहले, ये इतने टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स थे जो मिड 90s से लेकर हमारे मिड 2000 तक खेले हैं, आई थिंक इंजमाम की रिटायरमेंट वॉज द एंड ऑफ एन ईरा, की एक पूरी जनरेशन बड़ी ज़बरदस्त थी, कितना कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते थे ये, वी नो अबाउट 99 वर्ल्ड कप, पर हैप्स द बेस्ट टीम पाकिस्तान की कभी जो असेंबल हुई हो, मैं कम अज कम 87 वर्ल्ड कप की आप शायद कहें, अक्सर लोग कहते हैं, बट 99 बेस्ट किट एंड द बेस्ट टीम नो डाउट। 2003 का आई थिंक ये बड़ी बातें मशहूर हैं कि वाकई खिलाड़ियों ने अंडर परफॉर्म किया, कुरान पे हल्फ लेके कप्तान के खिलाफ गेम चल रही है, इसको निकालो फलाना करो। बट इस आज की पाकिस्तान टीम के साथ जो आप कंपेयर करते हैं, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? जो कैमराडरी, टीम वर्क है, इम्प्रूवमेंट आई है उसमें पिछले चंद सालों में, जब हम कंपेयर करते हैं उस गोल्डन जनरेशन के साथ? मेरे ख्याल में एज ए टैलेंट वाइज अगर हम बात करें तो उस टीम का तो इस टीम से कोई कंपैरिजन नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप मुझे आज भी याद है, पाकिस्तान टीम जब हार कर आई, खालिद महमूद साहब ने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि यार पाकिस्तान टीम के हारने पर इतना शोर हो रहा है, इतना तो बांग्लादेश के बनने पर भी नहीं हुआ। तो विद इन 24 आवर खालिद महमूद को पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। लेकिन ये मेरे ख्याल में इस वक्त जो करंट प्लेयर हैं, एक तो मीडिया के स्कैनर में हैं, बहुत ज़्यादा पहले से कई गुना ज़्यादा इनको पैसा मिल रहा है, तालीम का एक फैक्टर पूरी पाकिस्तान की जो नस्लें हैं क्रिकेट की, माजी की भी और हाल की भी, ये भी एक मसला है कि ये शायद तालीम ना होना भी इनके जो आउट ऑफ क्रिकेट जो
एक्टिविटीज थी उन पर असरअंदाज हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर माजी के प्लेयर्स का हाल के प्लेयर से मुकाबला करें तो इन प्लेयर्स के बारे में जो आज के प्लेयर हैं 0.1% हम कह सकते हैं कि शायद ये गलत कामों में इन्वॉल्व है। अदरवाइज पुराने प्लेयरों की तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि जो शायद हम टेलीविजन पर तो बयान भी नहीं कर सकते। भट्टी साहब, एक और पॉजिटिव जो मुझे लगता है इस टीम, बिकॉज इस टीम के बड़ा क्लोज अभी मैं रिसेंट कुछ पास्ट में रही, तो जो एक चीज़ मैंने देखी, ये एक दूसरे की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बकअप करते हैं, इनकी जो यूनिटी फैक्टर है, बाबर जैसे भी कप्तान हो, अच्छे या बुरे वो अलग अलग ओपिनियन है लोगों का, बट जो यूनिटी फैक्टर मुझे इस वक्त ड्रेसिंग रूम में दिखता है वो बहुत रेयर है। देखिए, यूनिटी पास्ट में भी रही है, लेकिन इस टीम में चूंकि यंग टीम है, लोग इससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख लेते हैं, फिर बार दफा क्रेडिट देते हैं बार दफा नहीं देते, लेकिन नो डाउट यूनिटी का ये जो आज लेवल है माजी में भी होगा। ये नहीं कि माजी की टीम कोई हर मैच अंडर परफॉर्म करने के लिए खेलती थी, लेकिन शायद इन प्लेयर्स में जो चीज कॉमन है जो माजी में प्लेयर में नहीं थी कि ये एक दूसरे को बकअप करते हैं। अब आप देखें कि हारिस रऊफ जो है वो शाहीन शाह आफरीदी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, शाहीन शाह आफरीदी नसीम शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, मोहम्मद हसनैन जो है वो शाहीन आफरीदी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। माजी में वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद की जो राइवलरी थी उसकी जो शोएब अख्तर उनकी जो कहानियां थी वो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में रहते थे। मेरे ख्याल में ये चीज नहीं है, और आज का मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी पर हम कितना भी क्रिटिसाइज करें लेकिन ये जो यूनिटी है, बहरहाल इसका बाबर आजम को भी क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान के 16 18 20 लड़कों को भी जाता है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे हाल में भी इस टीम के पीछे खड़ा हुआ है। माजी में शायद ऐसा नहीं था, माजी में फिर क्रिकेट बोर्ड के लोग अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आगे कर देते थे, लेकिन आई होप के बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है, जितनी उसे एक्सपेक्टेशंस है, हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जाए। लेकिन मेरे ख्याल में आज की इस क्रिकेट से इतनी कंट्रोवर्सीज, बल्कि मिलकर कंट्रोवर्सीज ना होने के बराबर है। सिर्फ एक चीज जो लैक कर रही है, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, अदील ट्वीट्स भी कर रहे होती हैं, कर रहे होते हैं, सवेरा भी कुछ ना कुछ अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात कर रही होती हैं कि ये शायद मीडिया से इतने अवेयर नहीं है। इनको अगर मीडिया से बात करने का तरीका बता दिया जाए या ये समझा दिया जाए कि मीडिया से किस तरह आपने हैंडल करना है, तो ये टीम मेरे ख्याल में बहुत बुलंदियों पे जाएगी। बट साहब, ये एक जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त मैं अगर उठाऊं तो ये एक जनरल तरीका हो गया है, बिकॉज मीडिया से अभी रिसेंटली हमने मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो इतने नाराज थे, वो तो वो बिल्कुल ही इतने तानो तिश्नों में जवाब दे रहे थे मीडिया को, और इससे पहले प्लेयर्स भी जो हैं उन्होंने भी, उनको थोड़ा सा भी कुछ कहा जाए तो वो ऐसा लगता है कि वो अटैक करने पे आ रहे हैं। बट एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आपसे भी पूछना चाहूँगी उसके हवाले से, जो एक चीज़ मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिख रही है, एजुकेशन की आपने बात की, मुझे एजुकेटेड लड़के अब आते हुए दिख रहे हैं। शान मसूद भी, अफसीन शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेवल भी आप देखें तो बाकी टीम मेंबर्स से डिफरेंट होता है। मोहम्मद हारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ड्यूरिंग दी वर्ल्ड कप, इट वॉज इंटायरली डिफरेंट बिकॉज मोहम्मद हारिस भी जो है वो अपनी बेसिक एजुकेशन करके आए। एंड दिस टाइम अराउंड हमने अभी कल शायद इंटरव्यू मोहम्मद अली का जो है वो कादर ने इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में साफ फर्क जाहिर था कि एक प्लेयर जिसने बेसिक अपनी एजुकेशन उसमें उसकी मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होता है। अच्छा सवेरा, एजुकेशन की और मीडिया हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक अपनी लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। हर वक्त हर किस्म के सवालात जिस तरह हमारे दोस्त पूछते हैं, और बाज़ लोग बेपरकी उड़ा रहे होते हैं जिस सवाल का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में चाहे रमीज राजा हो, चाहे मोहम्मद वसीम हो, सकलैन मुश्ताक हो, मोहम्मद यूसुफ हो, बाबर आजम हो, या पाकिस्तान के 18 या 20 जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए, और मीडिया का काम सवाल पूछना है। आप वहां पर जो है वो जज्बाती होने की कोशिश ना करें,
अपनी परफॉर्मेंस से उनके मुंह बंद करें। अगर कोई कहता है कि थैंक यू सो मच भट्टी साहब, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ हमेशा की तरह बात करने में, और ये टॉपिक मज़ेदार है कि जी इस पे जो है वो जाहिर है मजीद बात होती रहेगी जब ये किताब हमारे हाथों में आएगी, एंड इट प्रॉमिसेस टू बी अ ग्रेट रीड। सवेरा मुख्तसर हम कुछ फुटबॉल के हवाले से बात करते चले एग्जैक्टली, और वो ये है कि आपसे थोड़ी देर बाद कतर और सेनेगाल के दरमियान मैच होने वाला है। कतर रिमेंबर इज द ओनली एशियन साइड जिसका अभी तक कोई पॉइंट नहीं है, मैच भी एक खेला है, ये आज डिसाइड हो जाएगा इनमें से सेनेगाल में से कौन वर्ल्ड कप से बाहर जा रहा है। सो विच एवर टीम लूजेस द गेम उनके सेकंड राउंड में जाने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। 9 बजे मैच होगा पिछले राउंड किया नेदरलैंड्स वर्सेस इक्वाडोर। सवेरा इफ यू रिकॉल दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी है, और जो टीम ये मैच जीतेगी दे विल बी गोइंग थ्रू to the round of 16 could so become group A that. would be pretty sorted today. I think mere dono you're absolutely yes. spot on. aaj pata chal jayega hame ki kaun si ye do teams hone wali hain. uske baad raat 12 baje kya zabardast english speaking match hone wala hai. itni achhi english dono teams aapas mein bolenge do alag kism ki english ke jo hum accent, dialects aur wo uski baat karte hain na accent ki baat karte hain. so british accent and american accent would मजेदार गेम होगा, टकराएंगे अपने आप। इट प्रॉमिसेस टू बी अ गुड गेम। इस ग्रुप की दो हाईएस्ट रैंकिंग टीम इंग्लैंड आर ऑफ टू अ फ्लायर, बेहतरीन स्टार्ट उन्होंने किया है। इंग्लैंड ने 6-2 से शिकस्त दी थी ईरान को। अमेरिकन्स वर डिसअपॉइंटेड दे ड्रू अगेंस्ट वेल्स। वेल्स का आज वर्ल्ड कप का चैप्टर हुआ तमाम, लेकिन अमेरिका स्टिल हैव गॉट अ चांस। इट प्रॉमिसेस टू बी अ ग्रेट गेम। अभी मैं देख रहा था फुटेज सवेरा ट्विटर पे फ्रॉम ईरान, and the celebrations are on. remember pehla game tennis court se haarne ke baad 6-2 iran ne aaj comeback kiya hai, 2 goals score kiye at the dying moment. what a victory and what a moment for iran. aur bak ka muqabla sakht 2 ke aaj hame dikhana tha ki kis tarah brazil ke match ke liye jo hai वो सेलिब्रेशन पाकिस्तान में हुई, तो बिल्कुल आपको वो दिखा देते हैं। टाइम हमने थोड़ा सा ज्यादा और मांग लिया अपने प्रोड्यूसर से कि आपको जरूर वो दिखाएं क्या सेलिब्रेशंस रही कराची लियारी के एरिया में ब्राजील के मैच के दौरान। आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये ब्राजील की गलियां नहीं थी, ये था कराची का ग्लिम्सेस, और जितना क्राउड वो स्टेडियम में वहां पे मैच था, इतना तो क्रिकेट की कभी लाइव स्ट्रीमिंग में स्क्रीनिंग में मैच नहीं आते, लोग नहीं आते जितने वहां पर मौजूद थे। सच इज द पैशन फॉर ब्राजीलियन फुटबॉल देयर। आई थिंक कभी किसी ब्राजीलियन खिलाड़ी का आना बनता है पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ जस्ट इमेजिन अदील, अभी बहुत टाइम है मगर कभी किसी टाइम पे पाकिस्तान टीम जब ब्राजील को हराएगी तो वही वाला हिसाब होगा जो सऊदी अरेबिया ने जब अर्जेंटीना को हराया ना, तो कुछ इसी तरह का हिसाब होगा। दिल की धड़कने तेज कर दी, मैं अभी पसीने छूटने शुरू हो गए थे। बिल्कुल, रोनाल्डिनियो यहाँ पर आए थे, काका भी यहाँ पर आए थे। बदकिस्मती ये हुई कि उनको लाने वाले शायद वो लोग थे जिनको शायद ये पता भी नहीं था कि लिटरली इनकी पूजा की जाती है कराची के इलाके में, वहां उनको ले जाते हैं, बट देन द सिक्योरिटी सिचुएशन व्हाट नॉट। बहरहाल वक्त आ गया है, आप लोगों से इजाजत ली जाए, द वीकेंड इज कमिंग अप। सो 2 दिन हमारा प्रोग्राम ऑफ कोर्स नहीं होगा। सवेरा एंड आई विल बी बैक ऑन मंडे। एंजॉय फीफा वर्ल्ड कप, एंजॉय लॉट्स ऑफ क्रिकेट दैट इज ऑल्सो बींग प्लेड। सो तब होती है मुलाकात। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।